हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं ड्रमस्टिक करी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ड्रमस्टिक करी में क्या खास है, ये तो हम यूं ही बना लेते हैं। पर नहीं, जैसी रेसिपी अभी हम बताने वाले हैं ना, अगर आपने फॉलो की है और टेस्ट की है तो आपको भी उतनी टेस्टी लगने वाली है जितना हमको लगती है। पता है आपको, जब हमने इसे फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था तो हमें ये इतनी पसंद आई थी, हम तो बिल्कुल फैन हो गए थे। और अगली बार जब भी हम मार्केट जाते हैं ना और ड्रमस्टिक देखते बिल्कुल ताजी सी, तो हम क्या ड्रमस्टिक को खरीद ही लेते और अगले दिन हमारे घर में ड्रमस्टिक बन जाती है, क्योंकि जो इसकी ग्रेवी है वो काफी मसालेदार लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। और मेन बात तो ये, इसे बनाना बहुत आसान है, घर के ही इंग्रेडिएंट्स से बनने वाली है। और इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जिसकी वजह से जो ड्रमस्टिक का फ्लेवर है वो काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो किस बात की देरी है, फटाफट से देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले ड्रमस्टिक की सब्जी बनाने के लिए ड्रमस्टिक्स को ले लेंगे, तो धोकर चॉप कर लेना इसे इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में। अब बॉईल कर लेंगे इसे हम, तो बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो हम क्या कर लेते हैं, तब तक मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। तो एक चम्मच लहसुन लेंगे और 3 प्याज लेंगे जिसे लंबा लंबा चॉप करेंगे। पानी डालकर इसका फिर पेस्ट बना लेंगे, बारीक पेस्ट बनाना है। और एक तरफ ड्रमस्टिक तो बॉईल हो ही रही है। अब एक कढ़ाई में 3 चम्मच तेल डालेंगे, चम्मच का साइज थोड़ा सा बड़ा रहेगा, नॉर्मल जो चम्मच रहता है ना उससे बड़ा। खड़े मसालों के लिए दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची और तेजपान का पत्ता ले लेंगे। काला पड़ने देंगे, उसके लिए ढक्कन लगा लेना है। और फिर डालेंगे राई, जीरा और हींग डालना मत भूलिएगा। और जैसे ये थोड़ा सा भुन जाएंगे ना, उसके बाद प्याज का जो पेस्ट बनाया है ना उसे डालेंगे। गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम कर लेंगे और इसे भुनने देंगे, सुनहरे कलर का हो जाए, या तो फिर जब तक अनियन जो है वो हल्के से भुन नहीं जाते तब तक हम पकाएंगे। दूसरा मसाला तैयार करेंगे तो उसके लिए 2 हरी मिर्च ले लेंगे। और फिर क्या करना है, हमें टमाटर लेना है, तो इस तरह से चॉप किए हुए 3 टमाटर ले लेंगे। फिर उसके बाद मूंगफली के दाने डालेंगे, तो 2 चम्मच मूंगफली के दाने डालेंगे। फिर उसके बाद 2 बादाम और 2 काजू और यहाँ पर 1/2 चम्मच के करीब तिल लेंगे। तिल ज्यादा नहीं लेना है, नहीं तो फिर ओवर टेस्ट करेगा। अच्छे से पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक पीस लेना है। प्याज का मसाला भूल जाएगा, उसके बाद जो हमने अभी टमाटर का मसाला रेडी किया है ना उसे डाल देंगे और इसे भी पकने देंगे। तो जो टमाटर का मसाला डाला है ना, तो उसे पकने में 7 से 8 मिनट तो लगने ही हैं। तो कुक होने देंगे मीडियम फ्लेम पर। अब मसाले ऐड करेंगे जैसे ये थोड़ा पक जाएगा। नमक, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच के करीब डालना है। फिर हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच से भी थोड़ा कम और 1 चम्मच धनिया पाउडर। ये चारों मसाले डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे और 2 मिनट पकने देंगे। तो आप अभी देख सकते होंगे जो मसाला है, ग्रेवी है, वो अभी से ही बहुत ही टेस्टी लग रही है। अभी तो आधे एलिमेंट्स तो ऐड होना बाकी है। जैसे ही 2 मिनट मसाले कुक हुए ना, उसके बाद इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को थोड़ा सा क्रश करके फिर डालेंगे और गरम मसाला 1 चम्मच डालेंगे और टेस्ट को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए 1 चम्मच टमाटो सॉस डालेंगे। ध्यान रहे, टमाटो सॉस जो है वो ज्यादा स्वीट फ्लेवर का नहीं होना चाहिए, थोड़ा खट्टा फ्लेवर का होगा ना, तो उसे ऐड करिएगा। पकने देंगे 2 मिनट उसे और आप देख सकते हैं ड्रमस्टिक जो है वो पक चुकी है, ग्रेवी भी हमारी रेडी है, तो ड्रमस्टिक इसमें डाल देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते होंगे जो ड्रमस्टिक है वो ओवर कुक नहीं हुई है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ड्रमस्टिक को बॉईल करना है, पकने देना है, पर ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो फिर जब हम ग्रेवी में इसे मिलाते हैं ना तो ड्रमस्टिक जो है वो बिखर जाती है, फिर मजा नहीं आता है। इसलिए अब यहाँ पर क्रीमी सा टेस्ट देने के लिए 2 चम्मच फ्रेश मलाई डालेंगे। हाँ, फ्रेश मलाई डालना है। तो यहाँ पर हमने जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करे थे जो कि ड्रमस्टिक के फ्लेवर को बढ़ाएंगे, वो है मूंगफली के दाने, तिल और मलाई। अभी हमने मलाई डाली थी, उसके बाद इसे कितनी देर पकाना है, तो 5 मिनट लो फ्लेम पर ढककर पका लेना है बस। फिर ढक्कन हटा लेंगे 5 मिनट के बाद और धनिया डालकर इसे गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। तो आपको ये ड्रमस्टिक की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और इसी तरह की नई वीडियोस की अपडेट के लिए आप हमें इस आईडी पर इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं।
और अगर आपको ये रेसिपी वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिस्टर्स रेसिपी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।